गाइस तो आज करवा चौथ है तो हम सारे काम कर रहे हैं। मम्मी को काम करने नहीं दे रहे, जैसे पापा भी झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ की, ये देखो। और यहाँ पे मम्मी बैठ के अपना काम कर रही है, बता नहीं क्या। यहाँ पे पापा झाड़ू लगा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई पर मार दी है, हमने आधा आधा काम बांट रखा है। पापा कमरे की सफाई करेंगे तो ये विनी नीचे का काम करेगी। हम तो रोज ही करते, वैसे पापा तो नहीं करते, हम तो रोज ही काम कर रहे हैं जब छुट्टियाँ पड़ी है स्कूल की। विनी बाइप तो विनी बाइप पर मारेगी। मैं किचन का करूँगी, पापा इस सारे कमरे के सफाई करेंगी। हमने तीनों में काम बांट रखे अपने। तो गाइस अब मैं यहाँ के बर्तन धोऊंगी, मतलब किचन सब साफ वगैरह करूँगी। तो हमने इतना सारा काम बांट रखा है अपना। और फिर अभी हम चार मम्मी 4 बजे तैयार होंगी, पूजा वगैरह होती है ना कथा, उसके लिए भी बहुत मज़ा आएगा आज। और आज ना वो हमें चावल भी मिलेंगे मीठे वाले, मज़ा आएगा आज बहुत ज़्यादा। बाय। तो गाइस मैंने बर्तन धो दिया, अब मुझे बस गैस धोना है, फिर आपसे मिलती हूँ मैं, बाय। तो गाइस मैंने बर्तन धो दिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये गैस भी धो दिया है। देखो मैंने सारा काम कर लिया, अब हम नीचे जा। तो गाइस हमें भूख लग रही है, तो हमने मम्मी को परेशान नहीं किया, तो विन्नी और मैं यहाँ पे आके रोटी बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, हम देखते हैं कैसे बनती है रोटी, एक बार ट्राई करके देखते हैं। निकालते हैं तवा, आटा तवा पक निकालते गाइस बनाते रोटी। तो गाइस क्या बोलते, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, बहुत देर सो रही मैं तो तैयार। और दादा मुझे वहाँ पे बम पटाखे लेने गए थे, वहाँ में मिली ही नहीं दुकान, मतलब दुकान ही बंद पड़ी थी। और अभी बच गया 3:15। देखो मम्मी तैयार हो रही है पूजा के लिए, मम्मी तैयार हो रही है अपना पूजा के लिए, और वैसे ही बैठे हुए हैं। तो भाई हमारी मम्मी फाइनली तैयार हो गई है, ये देखो सुंदर लग रही है मम्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, इसमें गणेश जी का पूजन करके पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान क्षेत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा घर के पूजन किया जाता है। और विविध लड़कियों के यहाँ चीनी के कस्बे बिहार से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रदेव में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी, सेठानी के सही तो उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि में साहूकार के लड़के भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं आया, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी लेकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जी लो। यह सुनते ही उसने अपनी भाभियों से कहा, हाँ तो रोजी को दे, मतलब भाभी को दे देना, चीनी को नहीं दे दो, ये
तो गाइस ये पूजा कथा हो गई है और ये सब कुछ प्रोसेशन हो रहे हैं फोटो खेती में। तो गाइस ये पूजा करने आ रही है, देख चांद वाले दिख रहे हैं यहां पे, पता नहीं कहां दिख रहे हैं जिनको। तो अरे काय लेंगे, अरे फोटो चांद तो देंगे गाइस। नहीं गाइस देखो अच्छा ले भाई। तो गाइस पापा आ गए, हम पापा मम्मी को दिखा देंगे। चलो 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 डाल रही तो जो दुग दे दे पकड़ियो पकड़ पकड़ लेना ये पकड़ 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 बना 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 मम्मी थोड़ी सी बना क्लिप करके करिए पापा दे दो मेरे पैर थक दे अब।